जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सब दोस्तों को पाकिस्तानी इन पुर्तगाल में। आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे उमेर हबीब साहब और अरसलान हाशमी साहब। तो जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि मैंने एक पोस्ट डाली थी यहाँ पे, तो जिसमें एक छोटी सी कोशिश की थी कि यहाँ पे पुर्तगाल में मौजूद ऐसे दोस्त जो अल्लाह ताला की मेहरबानी से ऑलरेडी यहाँ पे उनका अच्छा काम का सिलसिला चल रहा है, तो शायद कुछ लोग ये समझे हैं कि उसके लिए कोई आपका बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा कोई मल्टीमीडियन हो, तो उतना जबरदस्त रिस्पांस नहीं आ सका जिसकी जितनी मुझे उम्मीद थी कि शायद काफी सारे लोग ये कोशिश करेंगे कि, लेकिन मेरा जो मकसद था, मेरी जो नीयत थी, मैं ये चाहता था इसमें भले छोटे से छोटे बिजनेस वाले, जिसमें आम कोई ग्रोसरी स्टोर भी हो सकता है, जिसमें डोनर कबाब की शॉप हो सकती है, जो हम यहाँ पे ज्यादातर लोग कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उबर के पेशे से मुंसलिक हैं, जो उबर ड्राइविंग कर रहे हैं या जिनकी उबर की कंपनीज वगैरह हैं। तो ये सब दोस्त जो थे ये यहाँ पे अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। अगर आप में से कोई भी दोस्त आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब भी आप चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। आपकी छोटी सी एक छोटे से मैसेज से अगर आप सिर्फ यहाँ पे ये लिख दें कि जी आप मेरी फ्रूट शॉप है और मैंने अपनी फ्रूट शॉप है वो 4,000 यूरो से बनाई थी, मैंने 5,000 यूरो से बनाई थी, मैंने 10,000 से बनाई थी, 20,000 से बनाई थी। यहाँ पे हमारे ग्रुप में काफी सारे ऐसे दोस्त मौजूद हैं जो अक्सर उनके मैसेजेस आते हैं, भले मैं सॉरी मैं आपको रिप्लाई नहीं करता, तो वो पूछते हैं कि जी 30,000 यूरो में कोई अच्छा काम शुरू हो सकता है, तो लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जॉब्स हैं, जैसे मैंने ये पुर्तगाल में, मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ कि जब मेरे कोई पेपरों का सिलसिला नहीं बढ़ रहा था तो मैं काम की तलाश में जब निकला हूँ, काफी धक्के खाए हैं यहाँ की, यही जो लोग लिस्बन में रहते हैं तो उन्हें पता है यहाँ पे ओदी वैलेश एक जगह है, तो इन गलियों में गलियों गलियों में दर बदर भटकता रहा हूँ, लोगों से काम पूछता रहा हूँ, सिर्फ एक वर्ड का पता चल गया था कि तरबालिया किसे कहते हैं, तो तरबालिया करते 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 तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जॉब मिल गई, और वो भी किसी दोस्त ने, एक अनजान बंदे ने सिर्फ ये बताया था कि तुम मेरी जो छोटी मोटी इंग्लिश है, तो उसने कहा जी कि तुम्हारी इंग्लिश ये तुम्हें बचा लेगी, तुम सर्वाइव कर लोगे, तुम अलगार चले जाओ, तुम्हें बड़ी अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो वो इंग्लिश के दम पे मुझे एक रेस्टोरेंट में, मुझे कोई शर्म नहीं है, सारी दुनिया को मैं खुद बताता हूँ कि एज ए वेटर मैंने काम करके, एज ए वेटिंग स्टाफ जॉब करके तो मैंने ये पेपर बनाए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास नेशनैलिटी भी है, तो लेकिन उस एक वो कोई सरदार जी थे बादशाह यादव में, किसी रेस्टोरेंट में वो काम करते थे, तो मैं काम ढूंढते ढूंढते उनके पास चला गया, मैंने कहा जी आर यू लुकिंग फॉर समबडी टू वर्क हियर, तो ये मेरा वर्ड था, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास तो काम नहीं है लेकिन तुम इंग्लिश बोलते हो, तुम ऐसा करो अलगाव में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। उसका एक वर्ड आज भी मैं उस बंदे के लिए, मेरे दिल से दुआएं निकलती हैं। तो ये सारा जो मैंने आज ये जो पोस्ट लिखी है, ये लिखने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद था, तो इसके लिए लाजमी नहीं है कि कोई आपके पास बहुत बड़ा बिजनेस हो, आपकी छोटी सी नेकी, आपका छोटा सा मैसेज कई लोगों के लिए बड़ा फायदा मंद साबित हो सकता है। तो मेरे साथ अब मैं ज्यादा वक्त नहीं आपसे लूंगा, मैंने तो काफी बात कर ली, हमारे साथ इधर उमेर हबीब साहब हैं। उमेर हबीब साहब ने 2 दिन पहले ARY न्यूज पे एक कॉलम लिखा था जिसमें इन्होंने अपने ये जो एग्रीकल्चर में लोग काम कर रहे हैं उनको एड्रेस किया था, ये खुद भी एग्रीकल्चर के शोबा से मुंसलिक है, और इनके साथ बैठे हैं अरसलान हाशमी साहब, इन्होंने मेरा मैसेज देखते हुए यहाँ पे ग्रुप में लिखा था कि जी मैं हाजिर हूँ और मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बता सकता हूँ जिसमें लोग ऑनलाइन काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं उमेर हबीब साहब से पूछूंगा, आपको वेलकम, और अरसलान साहब आपको, और माशाल्लाह ये जो ढेर सारे लोग आप हमें देख रहे हैं आप सबको भी सलाम और वेलकम। तो उमेर हबीब साहब आपसे मैं स्टार्ट करूंगा, ये आपने ये जो कॉलम लिखा है जिसमें आपने ये जो एग्रीकल्चर के लोग हैं इनको एड्रेस किया, तो थोड़ा सा ये इसका बैकग्राउंड क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाम तो खैर आपने ले लिया है, उमेर नाम है मेरा, ज़राअत के शोबे से यहाँ पुर्तगाल में 2-3 सालों से मुंसलिक हूँ,
और यहाँ जो स्ट्रगलिंग आपने की है और जो दूसरे बाकी दूसरे भाइयों ने की है, तकरीबन वैसी ही स्ट्रगलिंग हर कोई यहाँ पर आके करता है। जब माइग्रेशन होती है तो उसको नए इश्यूज का सामना करना पड़ता है और एक स्टेज से गुजरना पड़ता है। तो मैं भी उसी स्टेज से गुजरा था, और उस स्टेज से गुजरने के बाद चीजों को समझते समझते काफी टाइम लगा, लेकिन एक टाइम आया कि मैं उस ट्रैक पर आ गया कि जहां मैं हार्ड वर्किंग से ज्यादा स्मार्ट वर्किंग की तरफ फोकस कर सका। तो इस पूरी जर्नी में जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये कि जो मैंने देखी है यहाँ पर, कि जो पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान से पुर्तगाल माइग्रेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मैं उनको ये कहूंगा कि अपना अपना होमवर्क करें, लैंग्वेज पर कंट्रोल हासिल करें, क्योंकि लैंग्वेज इज द की ऑफ सक्सेस। वो जब तक आपको लैंग्वेज पे एक्सेस नहीं आएगा, तब तक आप यहाँ की उन टू बी फ्रेंकली उन तिजोरियों की तरफ आप नहीं देख सकते जहाँ जहाँ असल पैसा रखा हुआ है। वरना तो हार्ड वर्किंग जो है वो आप अपने मुल्कों में भी बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट चूंकि वहां नहीं मिलता, तो आप यहाँ आते, तो यहाँ आने के बाद भी आपकी हार्ड वर्किंग जब उसी तरह से कंटिन्यू रहती है तो आप फोकस नहीं कर पाते। एज चूंकि ज्यादा हो चुकी होती है तो उसमें आपको उस तरह से वो बेनिफिट नहीं मिल पाते। दूसरी बात ये कि जो लोग पाकिस्तान से यहाँ आने के बाद अपने सेटअप को एक्सपेंड करना चाहते हैं कारोबारी हवाले से, तो उनके लिए अभी चूंकि COVID-19 और दूसरे इशूज जो अभी देखने को आ रहे हैं, तो उसमें तो मैं उनको सिंपल ये एडवाइस करूंगा कि एक मोटी रकम लगाने से पहले आप उस मुल्क में वहाँ के कल्चर को, वहाँ के सिस्टम को, वहाँ के निजाम को आप पूरी तरीके से समझ लें, देख लें, उसके बाद फिर जो आपको आपका अपनी जो आपकी अपनी एक्सपर्टीज है उस एक्सपर्टीज के हवाले से फिर आप वो काम स्टार्ट लें। रही बात ज़राअत के शोबे के हवाले से जिसपे मेरी एक्सपर्टीज है, तो ज़राअत का काम बहुत वसी पैमाने पर यहाँ पुर्तगाल में फैला हुआ है। पुर्तगाल के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं ना कहीं कोई एक आपको बड़ी कंपनी मिलती है, पुर्तगेजी हो या इंडियन या पाकिस्तानी, जो आपको मौके भी देती है और काफी आपको एक अच्छा स्कोप देती है। लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि आपको फोकस करना है कि आपने किस तरीके से कौन सी फील्ड, कौन से सेक्टर और किस तरह से आपने काम को समेटना है और उस पर आपने काम करना है। तो यहाँ पुर्तगाल में ज़राअत के शोबे से चूंकि मैं मुंसलिक हूँ, तो मैं इसी की बात करूंगा कि यहाँ ज़राअत के शोबे में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। शुरू में इंसान को थोड़ा स्ट्रगलिंग करनी पड़ती है, पत्थर को तराशना पड़ता है, तो उसके लिए तो कोई इतनी कबाहत नहीं हो, तो हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सिलसिले आते हैं। तो बस पॉइंट इज दैट के एहसान आदिल भाई, पॉइंट यही है कहने का कि ज़राअत के शोबे से मुंसलिक लोगों को जो अभी इस वक्त परेशानी देखने को मिल रही है वो आपकी नहीं है, वो काफी पुरानी है। शुरू से लोग उसी सिस्टम को जो है चला रहे हैं, अब तक उसी सेटअप पे वो मामला चल रहा है। थोड़ी बहुत बेहतरी भी हुई है, चूंकि माइग्रेंट ज्यादा हो गए हैं तो इसलिए अब जॉब थोड़ी उसमें कम हो गई है। मुझे भी काफी अच्छा क्वेरीज उमर आती रहती हैं जॉब के भाई, हवाले से। थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये उबैद फारूकी जी साहब जी है, वो पूछ रहे हैं जी ये कौन सा शोभा, व्हाट्स ज़राअत। तो ये जरा ज़राअत को एक्सप्लेन कर दें कुछ भाई, मेरे जैसे उनको समझ नहीं आ रही कि ये ज़राअत क्या है। अच्छा, ज़राअत बेसिकली एग्रीकल्चर का काम कहलाता है। एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर से मुराद ही ज़राअत फसलें, आपकी खेती बाड़ी, ये इस हवाले से है एग्रीकल्चर का काम। अच्छा इत्तेफाकन ये आपकी एक वीडियो नहीं आ रही, तो मैं अभी आपका लाइन पे लेता हूँ। ये अरसलान हाशमी साहब हैं, तो ये काफी सारी एक्सपर्टीज रखते हैं कि हम बिल्कुल ऑनलाइन यहाँ पे बिल्कुल क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं आप प्लीज आपको मैं दोबारा रिकनेक्ट करता हूँ यहाँ पे। तो अरसलान साहब जी प्लीज बताइए, आपके पास क्या सजेशन है हमारे ये जो पुर्तगाल में भाई हैं इनके लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरसलान हाशमी है और थोड़ा जैसे सा कि प्लीज मैं लाउड पास में बोलिएगा, करंटली आजकल थोड़ा इस्लामाबाद सा। में, अगर ऑफिस है मेरा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, अब आवाज़ आ रही है जी जी आपको? जी जी प्लीज। जी, अरसलान हाशमी फ्रॉम इस्लामाबाद पाकिस्तान। जी और
मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। दो तीन डिफरेंट बिजनेसेस को मैं देख रहा हूँ, जिसमें टॉप पे मेरा अपना बिजनेस अराउंड कंसल्टिंग का, दूसरे नंबर पे आईटी कंपनी है जिसमें मैं को फाउंडर हूँ, वेब होस्टिंग। तो इस वजह से आईटी और ऑनलाइन जो चीज़ें हैं उससे हम लोग काफ़ी कनेक्टेड हैं। तो आपकी जब मैंने पोस्ट पढ़ी तो उसके नीचे मैंने कमेंट किया था कि ऑनलाइन अर्निंग को सीखने के लिए आप स्टूडेंट्स को चाहिए या लोगों को चाहिए कि वो इस ग्रुप को ज्वाइन करें। जैसा कि मैं इमिग्रेशन वगैरह को पढ़ता रहता हूँ, तो पुर्तगाल में जो पाकिस्तानी रह रहे हैं उनकी भी सिचुएशन मैं देखता रहता हूँ, पोस्ट वगैरह फॉलो करता रहता हूँ, मुझे अच्छा आइडिया है। बाकी मैं खुद भी आता रहता हूँ यूरोप, तो इन चीज़ों को मुझे आइडिया है। तो एक चीज़ जो कॉमन मैंने देखी है कि जो नए इमिग्रेंट हैं उनके पास जॉब ना होने की वजह से टाइम काफ़ी है कुछ नया सीखने के लिए। तो इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। पहले तो चलें किसी के पास कुछ काम हो गया, अभी इस कोविड की सिचुएशन में काफ़ी लोगों के पास और ज़्यादा टाइम आ गया था। तो इसमें सीखा क्या जाए? बेसिकली मैं बात करूंगा सिर्फ उन गाइडलाइंस पे कि आपको डायरेक्शन क्या लेनी चाहिए। बाकी सीखना अगर आपके अंदर करेज है तो आप उसका रास्ता खुद निकाल लेंगे। उस पर मैं कुछ आपको हिंट्स दे देता हूँ। जैसे थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी तो मैंने बताया कि जो लोग रह रहे हैं वो ऑनलाइन अर्निंग के अंदर या ऑनलाइन काम जॉब के अंदर सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, वो है यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं कि जी सेफ की एंट्री कैसे होगी और आर्टिकल 88 पे कैसे चलेगा काम और ये चीज़ें। ठीक है, वो एक एक लिमिटेड टॉपिक है जिस टॉपिक पे आप स्टिक हैं और इसकी एक लिमिटेड ऑडियंस है। वो 10,000 हो सकती है, 15,000 हो सकती है, 50,000 होगी, लेकिन वो 5 लाख कभी भी नहीं होगी। और जब एक ही टॉपिक पे 500 लोग वीडियोस बनाएंगे तो उसकी व्यूवरशिप कम ही होती जाएगी। तो उसका भी जो अर्निंग का प्रॉस्पेक्टस है वो कोई इतना वास्ट नहीं है, कोई इतना ज़्यादा कोई वो आपको फ़ायदा नहीं देने वाला। अगर उसी में आप चलना चाहते हैं तो आपको अपने टॉपिक्स को बढ़ाना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि टॉप यूट्यूबर्स ईयू के रीजन में क्या कर रहे हैं, वो किन टॉपिक्स को फोकस कर रहे हैं, उनके फॉलोअर्स आ रहे हैं, किस किस्म के कमेंट्स कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ यूट्यूब पे ही चलना चाहते हैं, अगर आपको कंटेंट क्रिएशन का शौक है, तो एक तो ये बात होगी। ये करना इसलिए ज़रूरी था कि ये एक रेलिवेंट है, लोग इस पर काम कर रहे हैं। ये सिर्फ शायद मोस्टली लोगों को सिर्फ यही पता है कि सिर्फ यूट्यूब से ही अर्निंग होती है, लेकिन ऐसा नहीं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसा कि लोग इमिग्रेट होके पुर्तगाल चले गए, किसी भी जगह से पाकिस्तान से चले गए या अंदर यूरोप में ईयू रीजन से शिफ्ट हो गए, तो पहला मसला लैंग्वेज का है। वो तो मैं बिल्कुल हाईली रिकमेंड करूंगा कि उनको लैंग्वेज सीखनी चाहिए। और जिस तरह से उमर हबीब साहब बात कर रहे थे कि जो लोग आना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट बेस पे उनको होमवर्क करना चाहिए, तो बिल्कुल मैं उनको सेकंड करूंगा। होमवर्क के साथ साथ उनको आने से भी पहले लैंग्वेज सीखनी चाहिए, क्योंकि जिस जगह आप जा रहे हैं अगर आपको लैंग्वेज नहीं आएगी तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इंग्लिश का फ़ायदा ज़रूर होगा लेकिन कम चांसेस हैं। जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस बताया कि आप होटल पे गए, आपने इंग्लिश बोली और आपको उसका फ़ायदा हो, बिल्कुल ठीक, अच्छी बात है। लेकिन साथ में आपको प्लस पॉइंट उनकी लैंग्वेज के भी कुछ कुछ ना कुछ बेसिक्स जो हैं वो आने चाहिए। अगर कुछ बेसिक्स आपको आ जाएंगे तो फिर आप इंग्लिश को भी कैश कर सकते हैं। अब अगर हम ऑनलाइन साइड में आएँ तो देखें तो पुर्तगाल के अंदर भी काफ़ी एडवांसमेंट हो रही है। और मैंने ये पढ़ा है और ये देखा है कि एक टर्म यूज़ होती है, इसको कहते हैं डिजिटल नोमैड। डिजिटल नोमैड वो होते हैं जिन जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं और लोकेशन उनके लिए मैटर नहीं करती। वो लोग अमेरिका में बैठे हैं, वो पुर्तगाल में बैठे हैं, वो यूएस में बैठे हैं, किसी जगह भी बैठे हैं। तो एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है लिस्बन के अंदर डिजिटल नोमैड्स की, जो कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोप की बहुत सारी जगहों से आते हैं, लिस्बन में रहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से और वैसे भी कंपैरेटिवली चीप है पुर्तगाल उनकी सर्विस को रेंडर करने के लिए। पुर्तगाल में बैठ के वो लोकल जो लोग हैं उनको भी हायर कर लेते हैं कम पैसों पे, जो उनके लिए काम करते हैं। वो करते सारे बंदे ऑनलाइन ही हैं। अब ऑनलाइन में क्या क्या कुछ हो सकता है, एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आप इस चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। प्रिंटिंग का काम है, तो प्रिंटिंग का काम में जब आगे चलते हैं हम, तो देखते हैं कि जी एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी एक चीज़ है, कोई डिज़ाइन बनता है, बोर्ड बनता है, कोई चीज़ बनती है। अब वो डिज़ाइन जो बनता है वो बहुत सारे लोग पुर्तगाल के अंदर भी ऑनलाइन बनवाते हैं। ऑनलाइन बनवाने की वजह ये होती है कि उनके पास एक तो टाइम नहीं होता कि वो जाएं किसी बंदे के पास बैठें और फिर वो डिज़ाइन बनेगा और फिर वो प्रिंटिंग पे जाएगा। अच्छा एक तो अरसलान स्टोर में हाशमी साहब, बैठे थोड़ा रहते सा हैं, आइडिया आ ग्राफिक गया कि डिज़ाइनर आप की हमें किस मदद बारे चाहिए। में बात कर रहे हैं। आप दो चार, क्योंकि शायद बाकी दोस्तों के पास भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं होगा, तो हम जितना इसको मुख्तसर कर सकते हैं।
कोई दो चार वेबसाइट लिंक हमें ऐसे बताएं कि जिससे सारे दोस्तों को ये हेल्प हो सके कि कौन सी वेबसाइट पे जाके तो हम ये अपनी कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह और अपना छोटा मोटा ऑनलाइन का कोई काम स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, एक दो मैंने ग्रुप को टैग किया था आपकी पोस्ट में, उसी का लिंक मैं अगेन जब ये लाइव चैट एंड होती है तो इसके इसके कमेंट सेक्शन में उसका पोस्ट कर दूंगा, उसको ज्वाइन कर लें तो अमेज़न बिजनेस आप वहां से लर्न कर सकते हैं। ओके, उसके बाद एक वेबसाइट है udemy.com, udemy.com पे बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप फ्री इनरोल हो सकते हैं, और वो कोई 5 साल का कोर्सेज नहीं है, वो 6 घंटे का कोर्स होगा, 10 घंटे का होगा, 12 घंटे का कोर्स होगा, कुछ भी अगर आप सीखना चाहते हैं, बेसिक ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं, बेसिक डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, हर बंदा सोशल मीडिया पे, डिजिटल मार्केटिंग सीखना बहुत आसान। देखें अरसलान हाशमी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये जो आप डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है जिन लोगों को आप एड्रेस कर रहे हैं वो मेरा ख्याल है थोड़ा बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा उन्हें आइडिया होगा, तो ये आप एड्रेस कर रहे हैं बहुत माशाल्लाह, जो इल्म के हिसाब से और नॉलेज के हिसाब से इन चीजों को समझते हैं, या ये कोई आम बंदा भी कर सकता है मेरे जैसा अनपढ़ जो है? आराम से बंदा कर सकता है जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है और वो कंप्यूटर को समझता है। अभी आजकल के दौर में सीखना भी इतना मुश्किल नहीं रहा कि आपको कोई पहले कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी और फिर आप वेबसाइट बना सकते हैं, आप बगैर कुछ सीखे, बगैर प्रोग्रामिंग सीखे भी वेबसाइट बना सकते हैं, ये मैं कह रहा हूँ। इसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए भी आपको कोई अलिफ बे या उसका ए बी सी पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, सिंपल ऐसी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। एक फेसबुक पोस्ट आप बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक रेस्टोरेंट है, वो उसकी एक ऑफर आई है कि वो आज 20% डिस्काउंट दे रहा है, और वो कहता है कि जी हमें ये एक अच्छी सी पोस्ट अपने पेज पे लगानी है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको फोटोशॉप आता हो तो तभी आप पोस्ट बना सकते हैं। ऐसी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके पूरे टेम्पलेट पड़े हुए हैं, उसके अंदर आपने डेटा पुट करना है, और डेटा पुट किस तरह से किया जाएगा उसकी भी वीडियोज आपको यूट्यूब पर मिल जाती हैं कि जी हाउ टू यूज़ canva.com, canva.com आपने किस तरह से यूज़ करना है, यूट्यूब से देखा, कैनवा पर आपने डिज़ाइन बनाया, एक्सपोर्ट किया और डिलीवर कर दिया ऑर्डर, तो कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक दोस्त लिख रहे हैं जी अदील भाई, थम्स अप बट प्लीज अरेंज सम, एक मिनट ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थम्स अप बट प्लीज अरेंज सम काइंड ऑफ जॉब, बेसिकली विदाउट जॉब वी कैन नॉट सर्वाइव। तो मैं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से छोटा सा आपको ये बताता हूँ, एक ट्रिप एडवाइजर नाम की वेबसाइट है, तो जो मेरे जैसे लोग जो बिल्कुल समझ ले जिनका कोई एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो ये ट्रिप एडवाइजर एक वेबसाइट है, नॉर्मली ये जो रेस्टोरेंट और होटल की फील्ड से मुंसलिक है तो उन्हें लाजमी ये ट्रिप एडवाइजर वेबसाइट का पता है। तो ये बेसिकली मैंने इस वेबसाइट के थ्रू इससे सिर्फ आइडिया ये लिया था कि इस एरिया में कितने रेस्टोरेंट्स हैं, कितने होटल हैं, और उनके नंबर जो है आजकल काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास, मेरा ख्याल बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके पास स्मार्टफोन वगैरह नहीं है, तो ये जो ट्रिप एडवाइजर वेबसाइट है tripadvisor.com, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि इस एरिया में कितने रेस्टोरेंट्स हैं, कौन कौन से टॉप पे हैं, 10, 20, 30, ये इस तरह रेटिंग की एक वेबसाइट है। तो मैंने सिर्फ आइडिया सिर्फ यहाँ से ये लिया था कि जी ये रेस्टोरेंट जो है यहाँ पे इस एरिया में ये वाले रेस्टोरेंट है, और वहां पे उनकी कॉन्टेक्ट की डिटेल्स थी जिसमें उस रेस्टोरेंट का एड्रेस और नीचे उसका फोन नंबर था। तो मैं क्या करता था यहाँ पे, ये मोबाइल वॉइप की जो एप्लीकेशन है, तो इसमें जाके वहां पे जो कॉलिंग है, नॉर्मली ये जो फिक्स के नंबर है तो पूरे यूरोप में आप उस पर फ्री कॉल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शायद शायद कोई एक बंदा क्लिक कर जाए, तो इससे आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठे इस वेबसाइट पे जाएं, आपको नजर आ जाएगा जी कि ये रेस्टोरेंट है, ये होटल है, ये इसका एड्रेस है, ये इसका कॉन्टेक्ट नंबर है, और इस कॉन्टेक्ट नंबर पे डायल करने के बाद जैसे मैं पूछता था दर दर पे जाके कि आर यू लुकिंग फॉर समबडी टू वर्क, तो आप पूछ सकते हैं। इसमें आप अगर ये स्पेसिफाई करेंगे कि आपको हलाल फूड वाले रेस्टोरेंट चाहिए, आपको पाकिस्तानी फूड वाले चाहिए, आपको इंडियन रेस्टोरेंट चाहिए, आपको इंग्लिश रेस्टोरेंट, ये ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगी, और जो टॉप 1, 2, 3, 10 ये सारे इसमें शो होंगे। तो उसके लिए आसानी ये होगी कि आप अपने घर में बैठे सबसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और आपको आइडिया हो जाएगा कि इस बंदे को काम के लिए जरूरत है,
तो आप वहां पे जाके अगर कोई बंदा आपको ओके करता है, तो मुझे तकरीबन लिस्बन में रहते हुए, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, मुझे लिस्बन में रहते हुए तकरीबन 5 जगह से अलगार्व में, अलगार्व के रीजन में उन्होंने ओके किया था कि जी आप आ जाए और आके इंटरव्यू दें। तो ये मैंने ऐसे लिस्बन से अलगार्व में, जिसमें मैं गया था, पोर्टिमाओ में रहते हैं, तो वो पोर्टिमाओ या अलगार्व में रहते हैं, मुझे पता ही पोर्टिमाओ कहाँ पे है। तो फिर वहां से मैं फिर मोनशीक चला गया था, फिर लागुश एक जगह, अलबुफेरा, ये इन सभी जगह पे रेस्टोरेंट्स होटल बहुत ज्यादा तादाद में है। तो ये छोटी सी मैं अपना जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि शायद बहुत सारे दोस्त ऐसे जिन्हें ये नहीं पता कि हम जॉब कैसे ढूंढे, और जिनके पास जेब में इतने पैसे भी नहीं है कि वो आप कहें जी 300-400 किलोमीटर मैं जाके तो जॉब ढूंढूं, तो ये शायद आपकी छोटी मोटी हेल्प हो सके। तो अब मैं चलता हूँ उमेर हबीब साहब के पास। उमेर हबीब साहब, ये एग्रीकल्चर में कितना स्कोप है, ये जो नए दोस्त अभी आ रहे हैं उनके पास? अच्छा अदिल भाई, एग्रीकल्चर के काम के हवाले से तो आप जानते ही अच्छे से कि यहाँ पर चूंकि माइग्रेंट्स की तादाद अब ज्यादा हो गई है, तो अब इतनी जॉब्स नहीं है। जो लोग पुराने यहाँ पर काम कर रहे हैं वो ही जो है उनको ही काम नहीं मिलता है, तो नए आने वालों के लिए एग्रीकल्चर में टिकना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, कारोबारी हवाले से ये है कि अगर वो कारोबारी, ये जो अरसलान साहब ने भी ऑनलाइन काम की बात करी है, तो इससे मुझे याद आया कि काफी टाइम पहले मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया था ऑनलाइन, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ओकेजनल के हवाले से मुदानसे का काम होता है, जब कोई रेस्टोरेंट या कोई घर का सामान किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में जाता है, तो यहाँ पर मुदानसा, एक बड़ी बॉक्सर गाड़ी होती है, सिट्रियन बॉक्सर टाइप की बड़ी गाड़ियां, उसमें मूवर्स जो सामान को यहाँ से वहां ले जाती है। तो बीच में मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, लेकिन लैक ऑफ फंड्स की वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सका। तो मेरा प्लेटफॉर्म ये था, और मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं नहीं कर सका तो कोई दूसरा भाई जो इसके ऊपर काम करना चाहे तो वो बिल्कुल कर सकता है, उसमें जितनी हेल्प आउट हो सकती है मैं दे सकता हूँ उसको। आइडिया वो ये कि एक ऑनलाइन ऐसा पोर्टल हो कि जिसमें जो लोग ऑलरेडी मुदानसे की गाड़ी लेकर अपने पास बिजनेस को रन कर रहे हैं, या जिनके पास ऑलरेडी गाड़ी है, आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनाना है कि जिसपे तमाम मुदानसा ऑनर्स को उस पर आपने जमा कर लेना, और क्वेश्चन एंड आंसर्स के हवाले से अपना कमीशन तय करते हुए उन उस प्लेटफॉर्म से आपने उन आपने थर्ड पार्टी बनके मुदानसा ऑनर को उस क्लाइंट से आपने मिला देना है। तो ये एक एप्लीकेशन गूगल ऐप पे और एप्पल स्टोर पे, और उसके अलावा एक वेबसाइट, और एक आपको छोटी सी टीम उसकी बनानी पड़ती है टेक्निकल। तो ये एक काम है जो यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं करनी कि आपने किसी एक एरिया में, आप मिसाल के तौर पे अगर आप लिस्बन शहर में रहते हैं और आप गाड़ी लेते हैं लिस्बन शहर के अंदर, तो आपको अगर क्यूरी कहीं से अलगार से आ जाती है क्यूरी, तो आपके लिए तो इम्पॉसिबल है, आप कैसे मैनेज करेंगे। तो बेहतर यही है कि अगर ऑनलाइन पोर्टल हो और उस ऑनलाइन पोर्टल से वो ऑनर्स जो पहले से बॉक्सर बड़ी गाड़ियां जो रखे हुए हैं, अगर आप उनको मिला देते हैं क्लाइंट से उस प्लेटफॉर्म से, तो ये है कि आपको उससे बिजनेस की आप ग्रोथ जो है अपनी बना सकते हैं, कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट था जिसपे मैं काम करता था, लेकिन फंड की वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सका। रही बात एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर के अंदर स्कोप बहुत है, लेकिन उसके लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है, आपको एक्सपर्टीज बनानी पड़ती है बिजनेस के हवाले से भी और वर्किंग कैटेगरी के हवाले से भी। मैं चूंकि कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तो मैन पावर सप्लाई का काम है मेरा, कि एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में और फैक्ट्रीज के अंदर जहाँ पैकिंग होती है फिश फैक्ट्रीज के अंदर, तो वहाँ पुर्तगीजी कंपनीज या दूसरी कोई यूरोपियन कंट्रीज में मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो मैं उनको जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उस हवाले से मैं उनको लेबर देता हूँ। चूंकि माइग्रेंट्स की तादाद ज्यादा है, तो वो नए माइग्रेंट्स, नए वर्कर्स को वो इतना स्कोप नहीं देते, तो वो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो 10 से 20-30 के दरमियान ही चल रही होती है। तो अब ऑलरेडी इतना इतना बड़ा सर्कल है मेरा कि मैं नए आदमी को उसमें एडजस्ट नहीं कर पाता, तो लेकिन फिर भी मैं उनको कहीं ना कहीं जो मुझसे हो सकता है मैं उनको आगे फॉरवर्ड करता हूँ। अपने 2-3 दोस्त हैं मेरे यहाँ पर जो पत्रोनों का काम कर रहे हैं, उनको मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, या कोई नॉर्मल जो छोटे मोटे काम होते हैं उनको उस पर मैं लगा देता हूँ, डेली विजिट जिसे कहते हैं।
तो डेली बेसिस के ऊपर मैं लगा देता हूँ। लेकिन मैं जो भी पाकिस्तानी है, जो भी कम्युनिटी का आदमी मेरे पास आता है काम के वाले से, मैं उसको सिंपल एक बात कहता हूँ, पहली कि लैंग्वेज पे कंट्रोल हासिल करो, लैंग्वेज तुम्हें आएगी तो फिर लैंग्वेज के बाद फिर तुम अपनी बात को समझा सकते हो सामने वाले को। ये पुर्तगाल वेलकम कंट्री है, जैसे पाकिस्तान में कराची वेलकम माजरीन के लिए, वैसे पुर्तगाल भी माजरीन के लिए वेलकम कंट्री है। यहाँ रेसिज्म नहीं है, यहाँ के लोग बहुत पोलाइट हैं, समझते हैं कल्चर को। आप इस कल्चर में देखें, यहाँ की कल्चर में आप जल्दी एडजस्ट कर जाते हैं एज कंपेरेटिवली अगर आप दूसरे यूरोपियन कंट्रीज को देखें। तो पैसा भी यहाँ पर है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पैसा नहीं है, लेकिन आपको टाइम लगाना पड़ता है, आपको फोकस करना पड़ता है, आपको हार्ड वर्किंग से ज्यादा स्मार्ट वर्किंग की तरफ आना पड़ता है। तो जो लोग, और मैं इसमें कभी रिकमेंड नहीं करता कि लोग यहाँ पे अपनी रेजिडेंसी लेने के बाद फिर किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री में जाएं। अक्सर लोग यहाँ पर करते हैं कि रेजिडेंसी कार्ड लेते हैं और लेते के साथ ही यहाँ से मूव आउट हो जाते हैं। वो बेसिकली अपने आप को और मजीद परेशानी में डालते हैं, क्योंकि अगर उनके साथ आगे यूरोप में कहीं कोई इश्यूज होते हैं तो उनका अपना बैकग्राउंड भी खराब होता है, साथ साथ में वो एक कम्युनिटी को भी डैमेज करते हैं, जो एक इम्प्रेशन है। क्योंकि पाकिस्तान की कम्युनिटी पुर्तगाल के अंदर बहुत चंद हजारों में है, टोटल 1 करोड़ में से कोई मैक्सिमम मैं समझता हूँ 20,000 भी नहीं होंगे पाकिस्तानी। तो इस 20,000 का मतलब ये है कि अभी हमारे पास मौके भी हैं, अभी हमारे पास टाइम भी बहुत है, हमारे आगे आने वाली नस्लों के पास भी काफी टाइम है कि जो यहाँ पर हम अपनी कम्युनिटी को एक अच्छे से एक अच्छे इंप्रेशन के साथ हम यहाँ पे जमा सकते हैं। जैसे नेपाली हैं यहाँ पर, आपको मालूम है नेपाली कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग कम्युनिटी है, बहुत सिंसियर कम्युनिटी है, बहुत अच्छे से उनकी डीलिंग आप देखेंगे पैसों के मामलों के अंदर बिल्कुल ठीक ठाक चलते हैं, वो कारोबारी फ्रॉड नहीं है उनके अंदर, जो हमारे यहाँ अक्सर देखने को मिलता है पत्रों में। मैं आपको बताऊं, मेरे ही काम के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं कि जो नामों के ऊपर आप यकीन करें, मैं तो मेरे पास कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आता है तो मैं उससे पैसे चार्ज नहीं करता, लेकिन वो जिसके रेफरेंस से आ रहा होता है वो बाद में 2-3 महीने बाद पता चलता है कि उसने उसको पैसे दिए। तो अगर मेरे पास काम है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जो अकोमोडेशन मेरे पास अवेलेबल होती है मैं उसको वहां ले जाता हूँ। लेकिन मैं आपको बताने का मकसद ये कि अपने ही कहीं ना कहीं कोई ऐसे लोग नजर आ जाते हैं दूर से, लेकिन मैं फिर ज्यादा उसको डीपली नहीं उसको मैं क्रिटिसाइज करता, क्योंकि ठीक है वो जो देने वाला राजी तो लेने वाले को क्या प्रॉब्लम। अच्छा, आप हमें ये बताएं, ये जो एग्रीकल्चर का सीजन है ये अब स्टार्ट हो चुका है या हो रहा है, और बिल्कुल एग्रीकल्चर का सीजन स्टार्ट है, कितनी ज्यादा वैकेंसीज निकलने की तवक्को है सपोज आपके पास या जिन कंपनीज के साथ आप काम कर रहे हैं अभी? देखिए आदिल भाई, यहाँ एग्रीकल्चर में इस वक्त फ्रूट रस बेरी और ब्लैक बेरी का सीजन चल रहा है, तकरीबन अब वो खत्म होने के सिलसिले में। मैं अपनी इंफॉर्मेशन के लिए और बाकी दोस्तों की इंफॉर्मेशन के लिए ये भी आपसे पूछना चाहता हूँ, ये एग्रीकल्चर का जो काम है ये सारा साल नॉनस्टॉप चलता है या इसमें कोई ब्रेक भी आते हैं? ये सारा साल तो खैर नहीं चलता, लेकिन मेरी अगर आप बात करें मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस की तो सारा साल तो नहीं चलता ये काम। ये जो उसका पीक टाइम होता है वो 6 महीने होता है, मार्च से रिक्रूटमेंट स्टार्ट होती है और वो अगस्त तक चलती है। अगस्त के बाद फिर ऑलिव में काम स्टार्ट हो जाता है और लारंजा में काम स्टार्ट हो जाता है, ऑरेंज में काम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर कोई एग्रीकल्चर में काम करना चाहता है तो उसकी बेस्ट जगह जो है वो डिस्ट्रिक्ट भेजा है, डिस्ट्रिक्ट फारो है, बेजा के अंदर आप बेजा और फारो, बेजा में बेजा से थोड़ा सा आगे इवोरा है, और डिस्ट्रिक्ट बेजा के अंदर जो है आपको ऑलिव का काम बहुत ज्यादा तादाद में आपको मिल सकता है ऑफ सीजन के अंदर। लेकिन अगर आप ये डिस्ट्रिक्ट बेजा के अंदर ये सब पूरा कंप्लीट ओदीमीरा सेंट एंटोनियो और 2-3 ऐसे यहाँ पर एरियाज हैं, कॉन्सिलियो कहते हैं उसको, कि जो फ्रूट के हवाले से बड़े स्ट्रॉन्ग शहर हैं फ्रूट के हवाले से। यहाँ आप अगर किसी पत्रून को ज्वाइन करते हैं, किसी कंपनी को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको फिटिंग आपकी हो जाती है। तो स्कोप एग्रीकल्चर के अंदर डिस्ट्रिक्ट बेजा में और डिस्ट्रिक्ट फारो में आपको ज्यादा मिलेगा। अच्छा अरसलान हाशमी साहब, एक तो ये मैसेज किया किसी दोस्त ने यहाँ पे कि उबर टैक्सी के काम में काइंडली इसमें इस बारे में भी कुछ गाइड कर दें, तो उबर टैक्सी का आपका कोई एक्सपीरियंस है? मैं एक हिंट दे देता हूँ, उबर तो चल रही है उधर, उबर के आने से बहुत सारी लोकल जो कंपनीज हैं जो कि बेस्ड इन पुर्तगाल या लिस्बन है, वो भी अपनी अपनी एप्स बनाने का सोच रही हैं। इसके बारे में मैंने पढ़ा है, वहाँ के जो स्टार्टअप्स हैं अब उनको बहुत सारा एक वर्क फोर्स चाहिए,
अब लोकली वर्कफोर्स वो लेंगे अगर, तो वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी उनको महंगी पड़ेगी, लेकिन कोई पाकिस्तानी जिसकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो वो उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो वो बैक एंड में पाकिस्तान से आउटसोर्सिंग करवा सकता है ऐप डेवलपमेंट, किसी भी कंपनी की मार्केटिंग, उसकी वेबसाइट, उसकी लिस्टिंग्स, कुछ भी, ये वो कर सकता है कि वो कंपनी के साथ कम्युनिकेशन करता है कि जी ये काम मैं आपको करवा के दे सकता हूँ, ये स्पेसिफिकेशंस हैं, और मैं अपने पाकिस्तान में डेवलपर से बात कर लेता हूँ, सीनियर डेवलपर से, वो इतने में आपको इतने दिनों में बना के डिलीवर करेगा, तो उसमें से आपको अच्छे पैसे बच सकते हैं। अच्छा, ताहिर खान साहब यहाँ पे लिख रहे हैं जी, वी लॉस आवर जॉब फ्रॉम 1st of April, वी ब्रोक फाइनेंशियली, वी डोंट हैव एनी सपोर्ट फ्रॉम आवर गवर्नमेंट इवन हियर, प्लीज एडवाइस समथिंग प्रैक्टिकली एंड सून। ताहिर खान साहब, आपकी ये जो जॉब गई है 1st अप्रैल से, आपके पास रेजिडेंस कार्ड है या आपकी ये जो फाइल है सेफ के सिस्टम में लॉक है या नहीं? जी रियाज मलिक साहब, आपका सवाल क्या है? आप एग्रीकल्चर इंजीनियर तो हैं, तो आप उमेर साहब से क्या पूछना चाहते हैं, प्लीज ये बताइएगा। और राजा हुसनैन साहब, आपको ये मैं थोड़ी देर में कॉल करके तो आपसे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ये राजा हुसैन साहब ग्रीस में जो काम करते हैं ये वो हैं? जी, बिल्कुल ये वही है, ग्रीस में नहीं, हाँ अब ये पोर्टुगीज हो गए हैं, और यहाँ पे ये हमारे दोस्त हैं माशाल्लाह, जुल्कर्नैन जंजुआ साहब। बड़ा अफसोस हो अच्छा रहा है इनका मैसेज देख के, क्योंकि इन्होंने लिखा है जी कि हम तकरीबन 20 दोस्त हैं, और सबके सब एग्रीकल्चर में काम ढूंढने के लिए, एग्रीकल्चर के शोभा से मेरा ख्याल ये मुंसलिक है, और ये फर्दर भी आगे चाहते हैं कि इन्हें अभी एग्रीकल्चर की जॉब में एग्रीकल्चर की फील्ड में जॉब मिल सके। तो मेहर साहब, आप इसमें कुछ हेल्प कर सकते हैं? देखिए आदिल भाई, मैं इनको आप इनसे प्राइवेट मैसेज करवा लें, मेरे पास अगर जी, कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं इनको फॉरवर्ड कर सकता हूँ, या अगर कहीं और किसी जगह पर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो तो मैं ये इनको 20 दोस्त वहाँ हैं, फॉरवर्ड इतना करूँगा। जेन में रखिएगा, तो जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी निकलती है तो हम सारे एक दूसरे के यहाँ पे इसी तरह बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं, और जो सभी दोस्त सुन रहे हैं, मेरा ख्याल शायद आपको ऑलरेडी ये न्यूज मिल चुकी है कि 2 मई से रात 12 बजे के बाद, यानी जैसे ही 3 मई होगी, तो ये जो इमरजेंसी की सिचुएशन है ये पुर्तगाल में खत्म होने जा रही है। तो ये बहुत अच्छी खबर है उन दोस्तों के बिल्कुल लिए जो किसी भी वजह से ये काम के सिलसिला में परेशान है, तो इनशाला ये वाला मसला तो हल हो रहा है। और रियाज मलिक साहब कह रहे हैं कि जी, इज देयर एनी जॉब फॉर एग्रीकल्चर इंजीनियर, प्लीज चेक विद उमेर भाई। ठीक है, मैं आदिल भाई इनको देखता हूँ, इनसे पड़ताली बात करता हूँ, और कोई अगर रास्ता निकलता होगा तो बिल्कुल जरूर अपनी जितनी मदद हो सकती है मैं करूंगा, इनकी हेल्प आउट करूंगा। जी, और यहाँ पे ये जो दोस्त ऊबर के बारे में बता रहे थे, मैं थोड़ा सा पूछ रहे थे, तो मैं थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको ये बताऊंगा कि ऊबर और बोल्ट वगैरह आजकल ये लॉकडाउन की वजह से काम काफी स्लो है, तो बहुत ज्यादा दोस्त हैं जो इस पेशे से मुंसलिक हैं, तो फिलहाल तो सिचुएशन काम के हवाले से अच्छी नहीं जा रही। वैसे नो डाउट, अगर आप लीगल हैं पुर्तगाल में, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आप खुद ड्राइव करना चाहते हैं या अगर आप कंपनी बना के काम करना चाहते हैं, तो ऊबर का जो प्रोफेशन है, नो डाउट बड़ा अच्छा काम है यहाँ पे, और तकरीबन रफली 10 से 12 घंटे में एक ऊबर ड्राइवर जो है वो सीजन में अगर काम कर रहा हो तो 100 यूरो से ऊपर भी बना लेता है, और बहुत सारे दोस्त इससे भी कहीं ज्यादा सीजन में बना लेते हैं। तो नो डाउट ये काम अच्छा है, लेकिन सारा साल इस पे भी अप्स एंड डाउन आते हैं, तो अगर आपको इसमें मजीद कोई गाइडेंस चाहिए होगी, तो यहाँ पे काफी सारे दोस्त जो हैं वो काम कर रहे हैं, और मैं सब दोस्तों से यही बार बार, पहले भी जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज आप ये मत समझिए कि आप किसी को भी ये मशवरा नहीं दे सकते कि जी मैं तो खुद अभी ये छोटी सी डोनर कबाब की शॉप बना के बैठा हूँ, छोटा सा फ्रूतारिया चला रहा हूँ, या छोटी सी कोई आपकी ग्रोसरी स्टोर है, छोटी सी मोबाइल शॉप है, तो छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो छोटा सा काम है वो किसी के लिए शायद बहुत बड़ा भी हो सकता है, और वो सिर्फ ये चाह रहा हो कि शायद मुझे कोई अच्छी सजेशन दे दे, तो आपकी सजेशन किसी के लिए अगर वो बंदा क्लिक कर जाता है
तो बड़ी यूजफुल, बड़ी मुफीद हो सकती है। तो प्लीज कोशिश करें अपने एक्सपीरियंस के साथ। हम सब पाकिस्तानी हैं यहाँ पे, और इंशाल्लाह हम आगे भी इस सिलसिले को इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। अगर कोई दोस्त है, कोई सवाल करना चाहे अरसलान हाशमी साहब के साथ या उमर हबीब साहब है। उमर हबीब साहब, ये हमें बताइए, ये जो ARY न्यूज के लिए आपने ये जो कॉलम लिखा है, तो इससे क्या अर्निंग भी होती है, या ये बस आप अपना शौक पूरा कर रहे हैं, और थोड़ी सी अवेयरनेस के लिए कि लोगों को पुर्तगाल के बारे में पता चले कि यहाँ पे ये जो एग्रीकल्चर का काम चल रहा है, इसमें क्या आजकल हालात हैं? देखें आदिल भाई, मैंने पाकिस्तान से माइग्रेशन सिस्टम की वजह से की, और पुर्तगाल में आने के बाद वही सिस्टम जब पाकिस्तान के अंदर दूर से बैठ के देखा तो काफ़ी उसको समराइज करने की कोशिश करी और लिखना शुरू किया। तो सोशल इश्यू, इससे पहले भी लिखता था लेकिन सोशल इश्यूज के ऊपर मैंने यहाँ आने के बाद लिखना शुरू किया, और अपने एक्सपीरियंस को मैं कोशिश करता हूँ कि कागज़ का पेट किसी तरीके से भर दूँ। और बाय चांस, बाय दोस्तों की मोहब्बत, हमारे एक आरिफ हसन साहब हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, उनके रेफरेंस से ARY पर इसको जो है ब्लॉग को शाया किया गया। और कोशिश मेरी ये नहीं थी कि ये किसी न्यूज़ चैनल पर जाए, मेरी कोशिश ये थी कि जो अपने पढ़ने वाले हैं, जो देखने वाले हैं, वो इसको आर्टिकल को, जो मैं अपने फेसबुक पेज पे लगाता था एक लिमिटेड सर्कल के अंदर, कि वो कम से कम कुछ अपनी तरफ से मैं उनको एजुकेट कर सकूं काम के हवाले से, प्रोफेशनली या किसी भी हवाले से। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सोशल इश्यूज के ऊपर लिखूं, और ताकि कहीं ना कहीं वो अपना तीर, मतलब मैं कमान से छोड़ देता हूँ, बाकी जहां लगना होता है वहां लग जाता है। हमें अपने अपने तौर पे जो है वो इसी तरीके की कुछ छोटी मोटी कोशिशें करती रहनी चाहिए। सही है। अर्निंग अच्छा वगैरह, सही लेकिन मैं बताऊं आदिल भाई, अर्निंग वगैरह नहीं होती है इससे। ये मेरा शौक है लिखना, तो इससे है। कोई अर्निंग वगैरह नहीं होती। बस ये कि यही अर्निंग है कि लोग पढ़ लेते हैं और आप जैसे लोग मुझे अप्रिशिएट कर देते हैं, यही मेरी सबसे बड़ी अर्निंग है। नहीं, हमें बड़ी खुशी हुई है कि मैं, बल्कि आपके कॉलम की वजह से, समझ लें, आपसे मेरी पहचान हुई है। तो बिल्कुल, बिल्कुल थैंक्स। इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ पे कुछ दोस्त जो हैं वो मेरा नंबर भी मांग रहे हैं और उमेर साहब का भी नंबर मांग रहे हैं। सर, मैं तो आपके लिए हर टाइम इधर इस ग्रुप की तवसुत से हर टाइम आपके लिए हाजिर खिदमत हूँ, और उमेर साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप यहाँ पे अपना ईमेल, भले अभी या जैसे ये हमारी वीडियो सेशन जब खत्म होगा, तो अपना ईमेल एड्रेस लाजमी इधर डाल दें, ताकि लोग जो भी आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या अगर वो काम के संदर्भ में आपसे बात करना चाहते हैं, तो आपसे बात कर ठीक सके। फॉर अमेजॉन लर्निंग ज्वाइन ग्रुप एक्सट्रीम ई कॉमर्स, सुहेल सफदर साहब ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। मैं यही बात कर रहा था कि वो, मेरा ख्याल इकबाल का शेर है, शायद मैं गलत पढ़ रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता, कि अफराद के हाथों में है मिल्लत की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। मेरा ख्याल थोड़ी सी मैं गड़बड़ कर गया हूँ, लेकिन हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो ये सुहेल सफदर साहब ने, ये देखें, इन्होंने ई कॉमर्स के लिए, ई कॉमर्स इन्होंने बताया जो, तो इस तरह हम छोटे छोटे, हम एक दूसरे की इस तरह बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो बुरे काम छोटा है या बड़ा है, लेकिन कुछ लोग जो बिल्कुल बेचारे बेरोजगार होकर घरों में बैठे हैं, और सर उमेर भाई को सलाम कह दें प्लीज। जी वालेकुम सलाम अली सुल्तान साहब, सॉरी वालेकुम उमेर अस्सलाम, साहब आपके लिए। वालेकुम अस्सलाम। और यहाँ पे एक और दोस्त है, उन्होंने पूछा, जी अदील भाई आपका और उमर भाई का नंबर, सर रेजिडेंस कार्ड कब आना स्टार्ट होंगे? मेरा रिन्यू है था 6 मार्च को, अभी तक कार्ड नहीं आया। सर जैसे साहब वाले कहते हैं, हम भी आपसे यही कहेंगे, शपेरा, तो शपेरा कहते हैं वेट को, तो इससे अच्छा हमारे पास और बेहतर जवाब नहीं है। आदिल भाई, एक हैंडसम अकाउंट कितना बंदा बना लेता है ऊबर में नॉर्मल रूटीन में? देखें साहब फैसल जी, दूर से वो कहते हैं दूर के ढोल सुहाने, तो ये जो ऊबर का काम भी है, ये भी बड़ा, इसमें ये भी मेहनत तलब है, इसमें आपका अच्छा खासा जोर लगता है। तो 10 से 12 घंटे अगर आप रोजाना काम करेंगे, तो तब जाके एक आप हैंडसम अमाउंट बना लेते हैं। लेकिन पुर्तगाल में अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो मेरा ख्याल है कि हमारे सब ये पाकिस्तानी भाई है जो, उनका वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन, बेस्ट फेवरेट प्रोफेशन यही है कि वो ऊबर ड्राइव कर रहे हैं, या उन्होंने कंपनीज बना के साथ में कोई कमीशन वगैरह रख के, तो साथ में दोस्तों के साथ मिलजुल के ये सेटअप चला रहे हैं अपना। तो ये अच्छा काम है, बुरा काम नहीं है, और मेरा ख्याल है पुर्तगाल में ये काफी ज्यादा अब लोग कर रहे हैं यहाँ पे काम।
तो अभी सुल्तान पोस्ट चेक की आपने, कौन सी पोस्ट सर आपने कर दी। तो अगर कोई दोस्त किसी किस्म का अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं या कोई सवाल है तो प्लीज हमें बताएं, क्योंकि 7:10 हो गए हैं। फदील भाई, आई थिंक यू नीड टू मेक रिक्रूटमेंट एजेंसी, इट्स वेरी यूजफुल फॉर न्यू कमर्स। जुलकरनैन जंजुआ साहब, मुझे काफी सारे मशवरे आते हैं, कोई कहता है कंसल्टेंसी एजेंसी बना लो, कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट के मशवरे देता है, आप मुझे ये रिक्रूटमेंट एजेंसी बता रहे हैं। तो मैं हर उस एजेंसी से, हर उस कंसल्टेंसी से बचना चाहता हूँ जिसमें कोई भी पैसों का लेन देन शुरू हो जाए, क्योंकि मेरी सर्विसेज जो है वो बिल्कुल फ्री हैं, और शायद आप इसी वजह से मुझे लोग थोड़ा बहुत पसंद करते हैं। तो अपना ये छोटी सी एफर्ट कर रहे हैं, ये आप भी सब अपना अपना हिस्सा डालते रहें। सर, उबर टैक्सी से ज्यादा अच्छा उबर ईट का काम है, अगर यहाँ पे कोई दोस्त उबर ईट वाले हैं तो वो प्लीज यहाँ पे इनको रिप्लाई कर दें। राजा हुसनैन साहब, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपके प्यार का शुक्रिया, आपकी शफकत का शुक्रिया जनाब, इतने इतने अच्छे कमेंट कर रहे हैं आप। और अगर कोई भाई उबर ईट्स के पेशा से मुंसलिक है तो यहाँ पे ये रहनुमाई कर दें जनाब अली शेख साहब की, वो पूछना चाह रहे हैं कि उबर ईट्स ज्यादा अच्छा है या उबर ड्राइवर, ये जो कार ड्राइव कर रहे हैं। थैंक्स अदील भाई, बैंक से लोन। जी साहब फैसल जी, अगर आपके पास रेजिडेंसी कार्ड है, अगर आप मेरा ख्याल है कि बैंक जो है वो 4 से 5 हज़ार यूरो अगर आपके पास मौजूद है तो आप ऊबर की गाड़ी जो है वो बैंक से लोन पे ले सकते हैं। तो अगर कोई और दोस्त इससे बेहतर इंफॉर्मेशन दे सकते हैं तो प्लीज आप भी शेयर कीजिएगा। अरसलान आशमी साहब, आप उतना देर अगर कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज आप बता दें, अगर आपके जेहन में कोई और आइडियाज हैं। जी मोस्टली आइडियाज़ मैंने शेयर कर दिए हैं। एक मैं बताना चाहता था, स्पीक डॉट सोशल, जहाँ पे पुर्तगीज़ लैंग्वेज फ्री में सीखी जा सकती है। ये सर इसके जरा स्पेलिंग भी हमें बता दें। जी, स्पीक SPEAK अच्छा, डॉट जिसे बोलना कहते हैं, SO जी, बोलना, स्पीक सही डॉट है सोशल ये उनकी वेबसाइट है, डॉट सही है। SOCIAL सोशल ये उनकी अच्छा, वेबसाइट है, www. जो दोस्त ये फूड और राशन की वजह से परेशान है तो उसको थोड़ी उन उन दोस्तों को मैं थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि एक तो आप पाकिस्तानी एम्बेसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, एम्बेसी के पेज पे ऑलरेडी आपको पता है कि उन्होंने भी लिखा है कि अगर आप जरूरतमंद हैं और आप राशन के लिए परेशान हैं, और स्पेशली रमजान शरीफ में कुछ मुखैया हजरात ने एम्बेसी में कोई डोनेशन किया है तो आप एम्बेसी से रब्ता कर सकते हैं। 2 दिन पहले किसी और दोस्त ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप अपने अपने एरियाज की जुंता दे फ्रेक्जिया, वहां से भी राशन के सिलसिला में उनसे भी मदद ले सकते हैं। तो अगर आप खुदा ना खास्ता आप शॉर्टेज ऑफ फूड की वजह से परेशान हैं तो आप अपने इलाके की जो जुंता दे फ्रेक्जिया वहां भी आप कॉन्टेक्ट करके इस सिलसिले में हेल्प ले सकते हैं। मुझे 100% श्योर तो नहीं है क्योंकि मैं खुद अभी यूके में हूँ, लेकिन ये किसी ने इन्फॉर्मेशन दी थी तो मैं सिर्फ आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। अगर लोन कैश में चाहिए, साद फैसल जी सब कुछ पॉसिबल है, इसके लिए आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो आपका पर्सनल है चाहे वो आपका क्या इसे कहते हैं कंपनी अकाउंट है, तो सब कुछ पॉसिबल है। आपको कैश में भी लोन मिल सकता है, आपको गाड़ी के लिए भी लोन मिल सकता है, बिल्कुल इसकी फाइनेंसिंग हो सकती है। speak.social.com, यार कम्बो साहब कह रहे हैं, ये हाशमी साहब बता सकते हैं, मेरा तो सर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तो अनपढ़ सा बंदा हूँ। नहीं, डॉट कॉम नहीं है, सिंपली स्पीक डॉट सोशल आप लिखेंगे ना ब्राउजर में तो ये जी वेबसाइट आ जाएगी, स्पीक डॉट ये सोशल। जरा प्लीज ये यार कम्बो साहब के लिए दोबारा प्लीज रिपीट कर दें ताकि वो अच्छी तरह नोट कर लें। जी SPEAK डॉट SOCIAL सोशल, बस ये इनकी वेबसाइट है। ये लिस्बन बेस्ड एक स्टार्टअप है जो पुर्तगीज लैंग्वेज फ्री में सिखाते हैं और आजकल इनके ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं। सही है, तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना काफी है। अगर किसी दोस्त का कोई किसी किस्म का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आज का ये जो वीडियो सेशन है इसको हम खत्म करते हैं।
जी ठीक अदील है, भाई कमेंट मैं सेक्शन में टेक्निकल लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। अदील भाई मैं टेक्निकल हूँ, क्या काम कर सकता हूँ सर? अपनी टेक्निकल वो एक्सपीरियंस भी तो शेयर करें, किस चीज में आपका एक्सपीरियंस है शहबाज अहमद साहिब? देखें, जिन दोस्तों ने अभी ज्वाइन किया है तो ये अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज है कि रात 12 बजे के बाद 2 मई से, यानी 3 मई की तारीख से, ये जो एमरजेंसी है, ये प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी आज कुछ जर्नलिस्ट से मुलाकात थी तो उसमें प्रेसिडेंट मार्सेलो रिबेलो डिसूजा ने बताया कि 2 मई के बाद उनका किसी किस्म का एमरजेंसी की सिचुएशन को एक्सटेंड करने का कोई इरादा नहीं है। तो इनशाला हम उम्मीद करते हैं कि मई में हालात बेहतर होने जा रहे हैं, काम के हवाले से भी। शहबाज अहमद साहब, एयर कंडीशनिंग टेक्निकल सर, मैं इसमें सॉरी मैं बिल्कुल कुछ नहीं बता सकता। ये जो बाकी सारे दोस्त सुन रहे हैं शायद वो आपकी कोई हेल्प कर सके। अदील भाई, आई हैव 8 ईयर एक्सपीरियंस इन कॉल सेंटर इंडस्ट्री। बहुत अच्छी जगह है सर लिस्बन आपके लिए। जुल्करनैन जंजुआ साहब, अगर आपका कॉल सेंटर का कोई एक्सपीरियंस है, टेली परफॉर्मेंस कंपनी है यहाँ पे लिस्बन में, इसके अलावा सेल बाई टेल ग्रुप है, आइस ट्रेवल है अलबुफेरा में। तो जब ये मेरा प्रोग्राम फिनिश होगा डेफिनेटली ये वेबसाइट, ये इधर फेसबुक के पेज पे ये रिकॉर्डिंग रह जाएगी तो आप दोबारा फिर से सुन सकते हैं। मैं फिर बता देता हूँ, टेली परफॉर्मेंस, सेल बाई टेल ग्रुप है इधर तागुश पार्क में, और तीसरी जो मैंने आपको बताई है वो आइस ट्रेवल है, ये टूरिज्म की एजेंसी है अलबुफेरा में। तो अक्सर लोग यहाँ पे ये कॉल सेंटर में काम करके बड़े अच्छे पैसे बना रहे हैं। कार एयर कंडीशनिंग का काम अगर आप जानते हैं शहबाज साहब, तो आप यहाँ पे हमारे कुछ पाकिस्तानी भाई जो हैं और इंडियन भाई जो हैं वो इस पेशा से मुंसलिक हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। टेक्निकल बंदा तो कहीं दुनिया में मार नहीं खाता, आपके लिए पाकिस्तान में भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आप पाकिस्तान में हैं तो। बहरहाल आप सब दोस्तों से सर अब इजाजत चाहते हैं, तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आखिर में यही कि कोशिश करें कि दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी पैदा करते हैं। तो अर्जेंट पासपोर्ट बनवाना हो तो आज कल क्या करें सर? एम्बेसी से राबता करें, वो आपको महमूद मुल्तान साहेब, वो आपको एम्बेसी बता सकते हैं। और जी बिल्कुल, जुल्करनैन जुआ साहब कह रहे हैं कि ईमेल लाजमी लिख दें, तो मैं सर अभी इनसे रिक्वेस्ट करके तो आपको इसी कमेंट में हमारी ये वीडियो सेशन के बाद आपको इनकी ईमेल मिल जाएगी। अल्लाह पाक हम सबके लिए आसानियां पैदा करें और अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दें कि हम सब दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा कर सके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।